राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो विधि प्रश्न पत्र पे आंसर की है उस पर चर्चा करेंगे। यूपी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर रखा गया था जो 150 प्रश्न पत्र थे, जिसमें से 50 सामान्य ज्ञान के और 100 नंबर विधि से जुड़े हुए थे। इन 100 नंबर में जो विधि के प्रश्न हैं, इस पे इनका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा उस उत्तर पे ही मैं डिस्कस करूंगा। मेरे पास इस समय जो पेपर सेट है वो सीरीज बी है। मैं बी सीरीज के बारे में चर्चा करूंगा विधि के प्रश्नों पर, और आप लोग अपनी सीरीज में उस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी सीरीजें हैं ए बी सी डी सभी सीरीजों में सीरियल से नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर जब बोलूंगा तो आप अपने सीरीज में उसको मिला लीजिएगा कि आपने वो क्वेश्चन नंबर कहां से, और मैं उसका उत्तर आपको बताता चलता हूं। आप लोग अपने पेपर पे या कहीं भी उसको टिक करते रहिए। तो जैसा कि प्रारंभ में 50 प्रश्न जो हैं वो सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं, और लास्ट के जो 100 प्रश्न हैं वो विधि से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थाना अध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वो विकृत चित्त व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में ना रखे। इसका पैरा 161 है, क्वेश्चन नंबर 51। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैराज ऑफ द पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट इट इज द पर्सनल ड्यूटी ऑफ द पुलिस देन थाना इंचार्ज नॉट टू कीप अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन द सेम सेल विद अदर पर्सन। इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, पैरा 161। दूसरा क्वेश्चन है, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? ये धारा नंबर 274 है, यानी ऑप्शन डी सही है। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज मेड पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो 274 है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 272 में दवाओं में अपमिश्रण है, 273 में उनका बेचना, 274 में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण 272 है, 273 में उसका बेचना है, 273 में 74 में दवाओं का अपमिश्रण और 275 में उनका विक्रय है। तो 274 सही हो जाएगा, क्योंकि अपमिश्रण पूछ रहा है, अल्टरेशन। उसके बाद है 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 45, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी, तो पूछ रहा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 45 में प्रोटेक्शन है, गिरफ्तारी नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन नीचे के जो हैं वो सही है। 54, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से सदृश है? लिख रहे हैं प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिजेम्बल्स विद हैवियस कॉर्पस रिट, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जैसा कौन सा प्रावधान सीआरपीसी में है, तो ये सेक्शन 97 है सीआरपीसी का, याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आगे भी आप लोग याद रखिएगा, ये फिर आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 97 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अच्छा, एक ये ध्यान रखिएगा, कल से हमारे संस्थान में मिशन सिलेक्शन जो कोचिंग का नाम है, इस कोचिंग में कल से पीसीएस जे एचजेएस का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। कल का मतलब 22 तारीख
जो है 2022 में यानी आठवां महीना यानी अगस्त माह में, तो कल का ही तारीख है क्योंकि वीडियो ये आज ही अपलोड हो रहा, तो कल की ही डेट से सुबह और शाम और रात में यानी तीनों बैच हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन तीनों बैच में सीपीसी प्रारंभ होगा। साथ ही साथ सुबह की बैच में 9 से 11 बजे एपीओ मेंस की क्लास प्रारंभ होगी। तो आप जिस किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित क्या है ये पूछा जा रहा है। वासुदेव बनाम पेप्सुराज 86, ठीक है, स्वैच्छिक मतदत्ता, तो वासुदेव बनाम पेप्सुराज का केस स्वैच्छिक मतदत्ता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क अस्वस्थ चित्तता 87, ये गलत है, 87 सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं है। द्विविवाह 494 और 95 से जुड़ा हुआ है, 497 लिखा हुआ, ये गलत है। आत्महत्या का प्रयास 306 में नहीं है, 309 में है, तो ये भी गलत है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है। 56 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। Which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 is not related with the criminal matters? तो यहाँ पे सेक्शन 23 है जो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि 133 क्रिमिनल मैटर एवं सिविल मैटर दोनों से जुड़ा हुआ है, 227 केवल क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ है, 53 केवल क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 133 भी क्रिमिनल मैटर से ही कहेंगे, सह आपराधिक की बात करती है, ठीक है, तो केवल 23 है जो क्रिमिनल मैटर से नहीं जुड़ा हुआ है। 57 पूछ रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है। ए ऑप्शन सही होगा, सेक्शन 78। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है 20 रीच का, जिसमें लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है, यानी डकैती के लिए तैयारी, डकैती की तैयारी करना दंडनीय अपराध है, 399। ठीक है, मैं बहुत बार बच्चों को इसको बताया हूँ कि तीन धाराएं प्रमुख हैं तैयारी पे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी सेक्शन 122 और मित्र देश के साथ युद्ध करने की तैयारी 126 एंड डकैती की तैयारी सेक्शन 399। तो 399 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है, गलत पे नहीं बताना, सही क्या है। पहला क्वेश्चन है अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न किस धारा में पूछे जाने से मना किया गया है, तो सेक्शन 151 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये करेक्ट आंसर है। बाकी जो अगला आंसर है बी, विधिक सलाहकार से गोपनीय संसूचनाएं 127, ये बिल्कुल गलत है, ये 129 है। सी ऑप्शन है अपमानित एवं क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न, ये 152 है, यहाँ पे 155 लिखा, ये भी रंग है। और चौथा है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, ये 106 है, ये भी गलत है, जबकि 103। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सीआरपीसी 1973 में अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है, सेक्शन 110 में है, क्यों आधार 106 से 110 तक बताए गए हैं। 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर से सिक्योरिटी मांगी जाती है सदाचारी बने रहने के लिए, जो 3 साल तक के लिए अधिकतम मांग की जा सकती है, विद सिक्योरिटी मांग होती है, इसी को 10 नंबरिया भी कहते हैं, बहुत फेमस धारा है। धारा के आधार पे जो है गुंडा एक्ट भी लागू हो जाता है। सेक्शन 61 लिखा है पुलिस अधिनियम 1866 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है। धारा 17, तीन ही धाराएं हैं 17, 18, 19। धारा 30 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है, 18 में उसके विशेष अधिकार और शक्तियां हैं, 19 में उसके लिए पनिशमेंट लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन सही है 61 का। 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आर्बिट्रेटर्स, जाहिर सी बात है आर्बिट्रेटर्स न्यायाधीश की श्रेणी से बाहर है। ठीक है, बहुत फेमस केस है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया केस नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ये। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान संभोग दंडनीय है। ठीक है, रेप नहीं, संभोग को दंडनीय बनाया गया, 376 बी। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है धारा, ठीक है, 376 बी है यहाँ पे, क्योंकि सी हो नहीं सकता है। ठीक है, सी में भी सहमति से मैथुन किए जाने की बात है, लेकिन अथॉरिटियों की बात की गई है। 376 डी सामूहिक रेप है, 376 ये विकृतता की अवस्था में रेप के दौरान जब महिला चली जाती है तब लागू होता है, तो 376
बी यहां पे करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारतीय साक्षरता अधिनियम की कौन सी धारा अंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है। सेक्शन 47 ए है इसका, 46 ए, यानी ए जो है ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ है। 48 ए, 49 ए धारा है ही नहीं, तो केवल 47 ए है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत में से कौन सा शब्द ढोर में सम्मिलित नहीं है। कुत्ता, ठीक है, इसको बाहर किया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। डॉग को बाहर रखा गया है, जबकि हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी ऊंट घोड़ा गधा खच्चर भेड़ बकरी सुअर इन सबको जो है ढोर माना गया है। 66 भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। सेक्शन नंबर 39 है, आईपीसी का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 67 सीआरपीसी की धारा 166A के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दांडिक न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी करता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करता है, अनुरोध पत्र भी। पुरानी धारा रिपीटेड है आंसर क्वेश्चन, ठीक है, कोई नया क्वेश्चन ये नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी होता, ध्यान रखिएगा। अनुरोध पत्र कह सकते हैं इसको, प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं हिंदी में। अगला केस है पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्प्रेसी केस को पीएन स्वामी केस भी कहते हैं, जो 1939 का केस है। इस केस में न्यायाधीश जो है लॉर्ड एटकिन महोदय हैं, इसमें मृतकालिक कथन से जुड़ा हुआ है। ये केस कन्फेशन से भी है और डाइंग डिक्लेरेशन से भी है। कन्फेशन लिखा नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है। तो सेक्शन 73 है, एकांत परिरोध की मैक्सिमम अवधि 3 माह होती है। 73 यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। 70 है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की धारा 131 को संशोधित किया गया था, यानी किस वर्ष में इसको संशोधित किया गया, अमेंडेड किया गया, तो 2000 में किया गया है। ध्यान रखिए काफी महत्वपूर्ण है ये। आईटीआई की धारा 2000 अमेंड किया गया है, जो 17 अक्टूबर 2010 से 2000 से लागू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 है, सीआरपीसी 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लिए उपकरण की शक्ति निम्न से किसके पास है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 433 के सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आता है। तो यदि वो मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है तो राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है 72, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है। यानी चैप्टर नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है, 131 से 140 तक आता है, क्योंकि उसके बाद चैप्टर नंबर 8 शुरू हो जाता है 141 से 160। 73 पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 73 का सी ऑप्शन, धारा 8 के तहत प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है। जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस विभाग बने हैं उनको सेक्शन 8A में दिया जाता है। पुलिस बल की नियुक्ति धारा 2 में होती है। 74 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा आपराधिक मानवबध करने का प्रयास कौन सी धारा है। तो आपराधिक मानवबध करने का प्रयास, ठीक है, सेक्शन 308 लगता है। आत्महत्या करने का प्रयास धारा 309 लगता है। हमला 351 है, अपहरण 362 है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी आर, ठीक है, कैट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया हुआ है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के एक केस ला पूछा गया आर बनाम लुमले का, वो केस मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी पूरा का पूरा लॉ का पेपर और लॉ में जो पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है क्रैश कोर्स। जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत किया है वो अच्छा रिजल्ट देंगे, जाहिर सी बात है। 75 क्वेश्चन नंबर है, सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो 304 सीआरपीसी में फ्री लीगल एड का प्रावधान है, इसका जो है क्लाज वो विकल्प बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, 304। 306 था अपराधी है, 305 कंपनी रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ है, और 310 जो है स्थानीय निरीक्षण है। उसके बाद आर बनाम लूमले, यही केस मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया था। ये केस 102 से तो जुड़ा नहीं है, 102 से 107 से नहीं जुड़ा है,
ये 105 से होना चाहिए, बट एग्जैक्ट मुझे भी ये क्लियर नहीं है, देखना पड़ेगा 105 से है या 106 से है। लेकिन जो लोग 107 पे टिक किए होंगे, 102 पे टिक किए, 107 वालों का बिल्कुल गलत है, ठीक है, और 102 के भी संभवतः गलत ही होगा, ये 105 या 6 पे जाएगा। वैसे ज्यादा संभावित उत्तर जो है ए सही दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैं बताने में अभी असमर्थ हूं। यही एक ऐसा केस है जो पढ़ाया नहीं गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। दहेज हत्या, अब दहेज हत्या 498 का, ठीक है, तो है नहीं, गलत है। दहेज हत्या शब्द गलत लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द गलत लिखा हुआ, जहां दहेज मृत्यु होना चाहिए था, ठीक है। दहेज हत्या इज नॉट ऑफेंस इन दिस एक्ट या एनी एक्ट, ठीक है। डाउरी डेथ, इंग्लिश सही लिखा हुआ डाउरी डेथ, इसकी हिंदी दहेज मृत्यु होना चाहिए था। फिलहाल चलिए, हिंदी वर्जन हमेशा गलत ही रहता है, अक्सर गलतियां इसी में मिलती हैं। बलात्संग 377, ठीक है, ये तो डिफाइन है, ठीक है। बलात्संग में यहाँ रेप है, तो अननेचुरल रेप से भी जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 498 ये भी गलत है, बलात्संग ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अननेचुरल रेप है 377, रेप 375 है, तो ये भी गलत है। जार क्रम 497 सही है, लूट 391, तो लूट कहाँ डिफाइन है, 391 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 390 में लूट को डिफाइन किया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा, इसका विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा जो है, इसमें पहला, दूसरा और चौथा, ये विकल्प एग्जैक्ट सही होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा है क्या क्या इसमें गलत है। तो इसमें पहला विकल्प भी गलत है, दूसरा विकल्प भी गलत है, और लूट भी गलत है, क्योंकि लूट की डिफिनेशन 391 में है, वो 390 में है, 391 डकैती को डिफाइन करती है, तो इस नाते चौथा विकल्प भी गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत है, यानी इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, 1, 2, 4 जिसमें लिखा है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1866 की निम्न से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है। तो सेक्शन 21 और चैप्टर 9 इसके साथ पढ़ा जाता है, यानी विकल्प ए सही है। उसके बाद 79 है, ख की हत्या के लिए का का विचारण किया जाता है। ये तथ्य का ने गा की हत्या की, कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, और खा ने अपनी इस जानकारी को लोकवृत्त करने की धमकी देकर का से धनु दापित करने का प्रयत्न किया था। सुसंगत है, धारा 8 में यह रेलिवेंट हो जाएगा, धारा 8 में हेतु के रूप में रेलिवेंट हो जाएगा, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के किस पैरा के अंतर्गत कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत का कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। पैरा 115 है, यानी विकल्प नंबर सी सही है। फिर है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रहार के बारे में दंड का प्रावधान करते हैं। तो 306 में आत्महत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। फिर है, सीआरपीसी की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है। सेशन जज को धारा 409 में वापस लेने की पावर है, ट्रांसफर 408 में करता है, 9 में वापस लेने की पावर होती है। तो 82 का सी विकल्प सही है। 83 में फिर मिलाने के लिए आया हुआ है, मिलाने के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। स्मृति ताजी करना पहला है, 159 बिल्कुल सही है। दूसरा मृतकालिक घोषणा है, ये दूसरा, यानी इसका विकल्प 154 गलत है, इसका सही हो जाएगा। 32 ए सूचक पर 141 है, पक्षद्रोही गवाह 154 है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला पूछा जा रहा है कि किसी अपराध का दुष्प्रहार या दुष्कृत का परिणाम में किया गया है और उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो सजा कहाँ दिया जाएगा, यानी दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कोई कार्य यदि किया जाता है और उसके लिए आईपीसी में कोई सजा का प्रावधान स्पष्ट तौर से नहीं है, तो 109 वहां लागू होता है। अपराध ना करने पे 115-116 लागू होता है, लेकिन अपराध होने पे 109 लागू होता है, जब स्पष्ट प्रावधान किसी धारा में ना किया गया, तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। फिर 85 है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय शासन अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो ये ए विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, बॉम्बे राज बनाम काथी कालू का केस आर्टिकल 21 से है, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। अक्सर बच्चों ने बी भी लगा दिया है, वो गलत ऑप्शन है, ए सही होगा। 86 है, 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा बलवा,
ठीक है, पांच अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य को करने में हिंसा का प्रयोग होता है, यानी जब विधि विरुद्ध जमाव प्लस हिंसा जुड़ जाता है तो वो बलवा हो जाता है, 146 में डिफाइन है। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि कल से हमारे संस्थान में यानी 22 तारीख से जो है पीसीजे एसजेएस की तैयारी के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता नामक सब्जेक्ट से नया बैच का प्रारंभ होगा। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ एपीओ मेंस की क्लास जो है कल से वो भी प्रारंभ होगी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 देखता हूँ। लिखा है भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 में धारा 113 का जोड़ी गई, कब जोड़ी गई है, 1983 में जोड़ी गई है, याद रखिएगा ठीक है, यानी ए विकल्प इसका सही है। 113A 1983 में जोड़ा गया, साथ ही साथ आईपीसी की धारा 498A वो भी 1983 में जोड़ा गया है, और 113B एविडेंस का 1986 में जोड़ा गया, और आईपीसी में 304B दहेज मृत्यु वो 86 में जोड़ा गया। तो 304B आईपीसी वो दहेज मृत्यु है 1986 में जोड़ा गया, उसी के साथ साथ उसके प्रिजम्पशन की बात की गई है 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये दोनों एक ही साथ 1986 में जोड़े गए हैं, और 498A आईपीसी और 113A इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों 1983 में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है मैच कराने के लिए पूछा गया है 88, इसमें विकल्प दिया गया है कि बचाव के रूप में पागलपन किस केस में बचाव है, सामान्य आशय किससे जुड़ा हुआ है, आवश्यकता किससे जुड़ी हुई है, निजी प्रतिरक्षा किससे जुड़ी हुई है, तो इसका विकल्प ए एग्जैक्ट सही होगा ठीक है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि बचाव में आर बनाम मैग्नाटन का केस है, सामान्य आशय पे बाड़न कुमार घोष का है, आवश्यकता पे आर बनाम डंडले एंड स्टीफन है, और निजी प्रतिरक्षा पे विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, तो इसका बी विकल्प सही होगा, जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसका विकल्प बी सही होगा, ये सीआरपीसी की धारा 93 से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर है, अधोलिखित में कौन सा वाद मुतकारी कथन से संबद्ध है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस यहाँ पे जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस मुतकारी कथन से है, इसी केस में कहा गया कि मुतकारी कथन इशारे से भी किया जा सकता है। उसके बाद है 91, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ावा देना यानी भाईचारे को समाप्त करना धर्म के आधार पर धारा 153A का अपराध का, ध्यान रखिएगा यानी विकल्प ए सही है 91 का। अगला है पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित है, तो धारा 44 यानी GD 44 से है, पुलिस रेगुलेशन का पैरा 108 CD से जुड़ा हुआ है, सीआरपीसी की धारा 172 वो भी CD से है, जिसको पुलिस डायरी भी कहा जाता है, लेकिन सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट जो है ये जनरल डायरी से जुड़ा हुआ है, इसको सामान्य डायरी भी कहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो कौन सा अध्याय पूछ रहा है, तो घुड़सवार पुलिस से संबंधित जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, जो पैरा 79-88 से चलता है। पुलिस रेगुलेशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है पुलिस रेगुलेशन और एक्ट का जो मैंने पढ़ाया है क्रैश कोर्स में उससे बाहर गया हो, और निश्चित तौर से मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं जिन लोगों ने क्रैश कोर्स में मुझसे पढ़ा है निश्चित तौर से वो 15 में 15 करके आए होंगे, अगर गलती हुई होगी तो उन्होंने खुद मिस्टेक किया होगा, वो ये नहीं कह सकते हैं कि सर ने आपने इसको पढ़ाया नहीं था। और अगर आप लोगों के अच्छे हुए हैं क्वेश्चन में क्रैश कोर्स में पढ़ाने से तो जरूर कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्रैश कोर्स का कितना फायदा आप लोगों को मिला। चलिए 94 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसी की धारा 100 में जो खंड 7वां जोड़ा गया, आईपीसी की धारा 100 क्या है, आईपीसी की धारा 100 उन दशाओं का उल्लेख करती है जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, उन्हें वो समय बताती है, तो उसी में एसिड फेंकना या एसिड देना भी शामिल कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति एसिड फेंकता है या एसिड देता है तो इस दशा में भी हम मृत्यु कारित कर सकते हैं, और ये जोड़ा गया है 2013 में। तो क्रिमिनल विधि संशोधन अधिनियम 2013 यानी विकल्प ए सही है। 95 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है, तो 165 में कोर्ट को पावर मिली हुई है किसी व्यक्ति को बुलाने की या किसी भी दस्तावेज या चीज को मंगाने की। उसके बाद सीआरपीसी की धारा किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और रिवीजन से संबंधित है, तो चैप्टर नंबर 30
अध्याय 30। अब यहाँ पे x मतलब 10 होता है तो 3x लिखा हुआ है, 3x बराबर 10 गुणे 3 बराबर 30, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो और विकल्प हैं इसके वो सब दूसरे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। अब ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं आंसर पे केवल चर्चा कर देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी जमात और अभिरक्षा से संबंधित है? चैप्टर नंबर 13, ठीक है, 20 है नहीं, 20 बुरे चेत वाले व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, 10 इन्वेस्टिगेशन से है, और 22 जो है ये अभिलेखों से जुड़ा हुआ है, 98 बला, तो कुल मिला के बी विकल्प सही होगा, 30 बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण किस धारा में दंडनीय है? 228A, ठीक है, 228A में इसको अपराध बनाया गया है, जो 1983 में जोड़ा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि धारा 436A 2005 में धारा सीआरपीसी में जोड़ी गई है, इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है और आधा सजा अगर वो भुगत लेता है उस अपराध के लिए जो उसमें उल्लिखित है, बशर्ते वो मृत्युदंड से दंडनीय ना हो, क्योंकि उसका आधा नहीं निकाला जा सकता, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और यदि वो पूरी सजा भुगत लेता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अभी मामला फाइनल स्टेज पे है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है जमानत पे कब छोड़ दिया जाएगा, तो जब आधा सजा भुगत ले, बिना जमानत के कब छोड़ जाएगा, जब पूरी सजा भुगत ले, तो 1/2 यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। 100 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है? तो 76 है, 73 है नहीं, ये तो दस्तावेजों का मिलान करना है, साइन को मिलान करवाना है, 77 ये है नहीं, ठीक है, यहाँ तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए द्वितीय साक्ष्य भी उसका जो है पर्याप्त साक्ष्य माना गया है, 72 उससे जुड़ा नहीं है, तो 76 इसे करेक्ट आंसर है। अगला है सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? 101 है, प्रतिलिपि प्रदान की जाती है, तो धारा 207 के साथ एक कार्रवाई की जाती है, ध्यान रखिएगा, 209 कमिटेड है, 205 में पर्सनल अपीयरेंस से छूट है, 210 जिस मामले में पुलिस कंप्लेंट पे कार्रवाई कर रही हो, अगर उसी मामले में जिस मामले में कोर्ट कंप्लेंट पे कार्रवाई करो, अगर उसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो उसके संदर्भ में प्रक्रिया बताई गई है 210 में, तो 101 का बी विकल्प करेक्ट आंसर है। 102 का डी विकल्प करेक्ट आंसर है, दो सिद्धि से अपील पूछ रहे हैं, दो सिद्धि के विरुद्ध अपील कहाँ होती है? 374 में होती है, छोटे मामले में अपील, 376 में दोष मुक्ति के मामले में अपील, 378 में दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील ना होना, ये 375 है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है 103 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 ए संबंधित है, ये 2005 में जोड़ा गया है धारा 195 ए जो 2006 से लागू होता है, मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी देना किसी व्यक्ति को, फर्जी गवाही देने के लिए जब किसी को धमकाया जाता है तो वहां पे धारा 195 ए का अपराध होता है, 103 ए और इसके साथ सीआरपीसी की धारा 195 ए भी पढ़ी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहे हैं पक्ष साक्षी की विशेषता पर देखिए, 155 सही है, पक्षरोही साक्षी 154 भी सही है, होस्टाइल विटनेस जो कहते हैं, रिफ्रेश टू मेमोरी 159 भी सही है, ब्रिटिश संसूचनाएं 129 है, यही गलत हो जाएगा, 124 नहीं है, वैश्वासिक संसूचनाओं से जुड़ा हुआ है। अगला है पुलिस अधिनियम 1860 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षकों को त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 30 का क्लाज नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है, तो 30 का क्लाज नंबर 4 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। फिर है या कि सदोष हानि कार्य करने के आशय से उसके बर्फ घर में पानी छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है बर्फ घर में पानी डाल दोगे तो बर्फ पिघल जाएगा और एक प्राकृतिक संपत्ति है और रिश्ती का अपराध हो जाएगा, तो 106 का ए विकल्प सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्षी गृहता का प्रावधान करती है? 65 में वो आधार बताएंगे जब द्वितीय साक्षी ग्रह होता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। का एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी हुई मिलती है और वो ये नहीं जानता वो किसकी है, लेकिन उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयास किए बिना तुरंत बेच देता है, इससे इसका बेईमानी दर्शित हो जाता है, तो ये संपत्ति बेईमानी से दुर्विनियोग के लिए दोषी हो जाएगा, डी विकल्प इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दृष्टांत है बिल्कुल सही, तो 108 का डी विकल्प सही। 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न से किस प्रकार के अधिकारता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजस्व विषय का अधिकारता का उल्लेख नहीं है, रेवेन्यू इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों सही है, ए बी डी सही है। 110 में धारा 413 416 436 441 करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं कौन किससे सही सुमिलित है, तो बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है।
एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विचित किया जाता है। एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विचित किया जाता है, कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चार्जशीट पुलिस के द्वारा किया जाता है, आरोप जो है कोर्ट के द्वारा विचित किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बी विकल्प सही 111 का। 112 में पूछे लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किस चैप्टर में किया गया है, चैप्टर नंबर 11 लोक न्याय के विरुद्ध अपराध चैप्टर नंबर 11 में है, तो 112 का ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर है आईपीसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, 29A में परिभाषित किया गया है, तो ए विकल्प सही है इसका। उसके बाद सीआरपीसी की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा, 315 यहाँ पे महत्वपूर्ण है और यही धारा उत्तर भी करेक्ट है, डी विकल्प सही है। 312 खर्चे से जुड़ा हुआ है, 316 उत्पीड़न अधिनियम के वचन नहीं दिया जाएगा, 313 अभियुक्त की परीक्षा से जुड़ा हुआ है, 315 ही है सक्षम साक्षी होगा न्यायालय के अनुमति से। फिर 115 उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है, चैप्टर नंबर 9 ठीक है, 89 से 96 जुड़ा हुआ है। देखिए पुलिस ग्राम पुलिस से धारा भी पूछा गया था, धारा 21 और यहाँ चैप्टर भी पूछ लिया गया। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है, ये अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेड की जेब में कुछ था नहीं, ये नहीं चोरी का प्रयास किया है, ए विकल्प सही होगा, ये धारा 511 का दृष्टांत है दूसरा। उसके बाद 117 निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है, तो 17 में पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है विशेष पुलिस अधिकारी की, 18 में उसके विशेष अधिकार और शक्तियां हैं, 19 में उसके लिए दंड की बात की गई, तो 18 सही है, 117 का ए विकल्प सही है। अगला स्थानीय अधिकारता शब्द को सीआरपीसी में डिफाइन किया गया, ठीक है 2J में डिफाइन किया गया, यानी डी विकल्प सही है। जरा देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, यानी जो मेन डिफिनीशन है, ठीक है चाहे कॉग्निजेबल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, विक्टिम हो, ठीक है समन केस हो, वारंट केस हो, उन सबको छोड़ करके बिल्कुल कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जो कभी पूछा नहीं जाता था। इससे क्या दर्शित हो रहा है कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं आप पेपर में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ आपको याद करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ जो है बेकार नहीं, सब के सब इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में। अगला क्वेश्चन है एविडेंस है कि धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शरीर संवेदना के अस्तित्व को दर्शाने के रूप में क्या वर्णित नहीं है, तो हेतु इसमें शामिल नहीं है, ठीक है 119 का सी विकल्प सही होगा। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स के सूत्र पर आधारित है, 95 है, ठीक है महत्वपूर्ण धारा है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया, विधित उच्च कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, यही धारा 95 राइट हॉर्स। 121 निम्न में से भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेज फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, 58 है, डी विकल्प इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है 122 सीआरपीसी 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दंडादेश की व्यवस्था की गई है, धारा 31 में व्यवस्था की गई, दो है तो एक में ही ये सही है, दूसरा सही नहीं है, दूसरा विकल्प में भी नहीं है तो एक सही है, 122 1, ठीक है 30 1, यानी 122 का बी विकल्प सही है, सॉरी बी विकल्प सही है धारा 30 1 का, ठीक है सिंपल विकल्प भी बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 123 भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई, 354A में डिफाइन किया गया है, तो 123 का बी विकल्प सही है। मानचित्रों चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगतता दी गई है, धारा 36 में दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और इसी के जो है प्रिजम्पशन की बात धारा 84 और 87 में की गई है, 84 में सरकार के प्राधिकार से है तो सेल्फ प्रिज्यूम, 87 में सरकार के प्राधिकार से नहीं है तो मेल प्रिज्यूम की बात, तो 36 सही है यानी बी विकल्प। 125 से एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को सीआरपीसी की धारा 83 के अधीन कुरुक करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्रवाई क्या होगी, शून्य हो जाएगी, सेक्शन 461 से संबंधित है ये सीआरपीसी के, तो शून्य हो जाएगी, बी विकल्प सही है। अगला है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है, तो 216A में पेनाल्टी का प्रावधान है, डी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है डी विकल्प इसका सही है। उसके बाद संश्रय पे मैंने पूरी लिस्ट बनवाई थी क्रैश कोर्स में, फुल कोर्स में भी कई बार बच्चों को रिवाइज किया, शायद किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। चलिए 127 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा 4 अपराधियों के बारे में बताते हैं, पैरा नंबर वो चैप्टर नंबर 19 है ये, पैरा 215 से 222 है, ठीक है अच्छे से आप लोगों का कभी नहीं गलत हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको रटाया था आप लोगों को।
इसी में 60 सीटर के वर्ग भी बताए गए हैं। ठीक, फरार अपराधियों की श्रेणी इसी में बताई गई है। 128 सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपए से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। 10 रुपए से कम शब्द पे क्या लिखा गया, 500 रुपए कर दिया गया है, 2005 से किया गया है। ठीक है, तो 128 का बी विकल्प सही है। ठीक, फिर मैं आप लोगों को फिर इन्फॉर्म कर दूं कि कल से यानी धारा 22 तारीख से अगस्त महीने में ही जो है सीपीसी का नया बैच सीपीसी से कल प्रारंभ हो रहा है। जो कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए इच्छुक हो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ एपीओ मेंस की क्लास भी कल से ही टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में प्रारंभ होगी, यानी 9 से 11 बजे का उसका टाइमिंग रखा गया। उसके बाद 129 है सीआरपीसी 1973 की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब वह सी विकल्प इसका सही होगा, वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्य का प्रकटन करने का वचन देता है। ये सर्टिफाइड धारा 308 में लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। ध्यान, तो सी विकल्प सही है। 130 ए गड्ढे पर लकड़ियां और घास हिसाबे से बिछाता के तत्व द्वारा मृत्यु कारित करे, जब ये विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता उसमें गिर जाता है मारा जाता है, ये नहीं अपराध किया। ए विकल्प सही है, आपराधिक मानवबध यानी कल्पेबल होमोसाइड का ऑफेंस सही है। ये पहला दृष्टांत है सेक्शन 399 आईपीसी का। फिर है लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है, ये धारा 24 की उपधारा 4 से जुड़ा हुआ है। सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट ये पैनल तैयार करता है, यानी डी विकल्प सही है। 132 घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 663 धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो 148 इसका सही हो जाएगा, बलवा के लिए सजा 147 में है लेकिन ये घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करने की बात कर रहा है, तो इसका विकल्प सी सही होगा 132 का, यानी धारा 148 सही होगा। 113 बी दहेज हत्या की उपधारणा, फिर हत्या शब्द लिखा, दो बार गलती, दहेज मृत्यु होना चाहिए, हत्या कोई अपराध नहीं है, लेकिन दहेज हत्या आईपीसी में कोई अपराध नहीं है, दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु की उपधारणा भारतीय संहिता अधिनियम 1872 में जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, 1986 में, मैंने शुरू में बता दिया, यानी बी विकल्प सही होगा। अगला है आबा की पत्नी को बा के घर से फुसला कर ले जाता है, कौन सा अपराध किया, ये धारा 498 का अपराध होगा आईपीसी का, सेक्शन 498 का बी विकल्प सही होगा इसका। 135 उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के किस पैरा में बड़ी प्रावधानों को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजकों के नियंत्रण में पुलिस रहेगी। ठीक है, ये पैरा, ठीक है, एग्जैक्ट शायद पैरा 39 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा पैरा में, मेरे समझ से 39 होना चाहिए। उसके बाद 136 है सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा पीड़ित पथकर स्कीम से संबंधित है, 357 ये है, 2008 में ये धारा जोड़ी गई है। ठीक है, 2008 में जोड़ी गई है, जो 3/2/2012 से, ओ सॉरी 31/12/2009 से लागू है। उसके बाद है का या को राजमार्ग पर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 137 बी सीरीज है ये। ये राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है, जाहिर होता है डर से ही दिया है उसने, तो ये लूट है। ठीक है, ए विकल्प सही है। भारतीय संहिता अधिनियम 1872 का अध्याय 5 संबंधित है, अध्याय 5 पूछा जा रहा है। ठीक है, अध्याय 5 किससे है, अब अध्याय 1 जनरल हो गया, अध्याय 2 रिलीवेंसी से, अध्याय 3 वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं, अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य, अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य है, तो दस्तावेजी साक्ष्य से जुड़ा 138 जो है सी सही है। फिर है सीआरपीसी 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है, 233 दो विकल्प सही है, सीआरपीसी चैप्टर 3 का ये धारा है, 233 दो सही है। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य के सह अपराधी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सह अपराधी, तो 140 बी विकल्प सही हो जाएगा। 141 है आ एक पुलिस अधिकारी बा को संसूचित करने के लिए कि उसने अपराध किया, उत्पीड़ित करने के लिए यातना देता है, आ किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा, ये एक धारा 330 यानी डी विकल्प इसका सही होगा, 330 का दृष्टांत भी है, घोर उपाधि करेगा तो 331 में दंडित होगा, सिंपल है तो 330 में। फिर अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है साक्षर में, तो धारा 73 का है, ए में सही है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा 142 का। 143 सीआरपीसी 1973 की निम्न से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया धारा 46 में बताया गया है, 46 का प्रोवाइड जो है जिसमें महिला के ये सूचना दे दी जाती है कि उसकी गिरफ्तारी होना है, तो मान लिया जाता है कि उसने सरेंडर कर दिया, ये प्रिज्यूम कोर्ट करता तो छूने की जरूरत ही नहीं, तो 46 का एक प्रोवाइड जो सही है। फिर है 144 भारतीय संहिता अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है,
122 में पति और पत्नी दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो 144 का सी विकल्प सही होगा। फिर है मैच कराने के लिए पूछा गया है धारा कौन किससे मैच करा रही है, इसमें सुमेलित नहीं, कौन इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो चोरी 388 हो ही नहीं सकता, 378 में चोरी डिफाइन है, तो ये जो है सी विकल्प इसका करेक्ट है। लूट 390 में डिफाइन है सही है, उद्दापन 383 भी सही है, डकैती 391 भी सही है, तो 145 का सी विकल्प सही है, 146 करेक्ट ऑप्शन मैच कराया जा रहा है, इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। धारा 272 न्यायालय की भाषा है, 2D कंप्लेंट की डिफिनेशन है, 321 परिवाद को केस को अभियोजन द्वारा वापस लेना, 257 में कंप्लेनेंट अपने कंप्लेंट को वापस लेता है, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट 147 में से कौन सा सही सुमेलित है, अपराधी को संशय देना 52 का बिल्कुल सही सुमेलित है, लोक न्यूसेंस ये गलत है, 258 होना चाहिए, दंगा 158 होना चाहिए, 159 होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 192, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, तो सॉरी अपराधी को संशय देना ये 212 होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, तो कुल मिला के इसमें डी विकल्प सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना धारा 192 है, मिथ्या साक्ष्य देना 191 है, और मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के लिए सजा 193 में बताई गई, तो 147 का डी विकल्प सही हो जाएगा। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए घोषणा जारी की जाती है, तो धारा 82 सीआरपीसी में जारी होते, ए विकल्प सही है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा, पैरा 170 में महीने में एक बार लोक अभियोजक को पावर दी गई है, और राजपत्रित अधिकारी को 3 माह में एक बार पावर दी गई है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट, यानी 3 सही है 1 गलत है, तो गलत ऑप्शन आपको सही सुमेलित जो नहीं है वही ढूंढ करना है। सदोष हानि धारा 24 यही तो है, सदोष हानि धारा 23 है, 24 सही नहीं, 24 का पूर्वक है, तो ये सही हो जाएगा। सदोष अभिलाप 23 ये सही है, दंड 53 में भी सही है, कूटकरण धारा 28 में भी सही है, तो 150 का ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, वो आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी सारे विकल्प एग्जैक्ट सही है। कमीशन अगर इसका उत्तर जो मैंने बताया उससे भिन्न देता है तो कमीशन का विकल्प गलत होगा, और उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं मिस्टेक में मुझसे मैं बोलना कुछ और चाहा हूँ, गलती से कोई और शब्द निकल गया हूँ, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों को फिर इन्फॉर्म कर दूं कि कल से यानी 22 तारीख से अगस्त महीने में हमारे यहाँ सीपीसी का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यूपी पीसीजे की वैकेंसी और यूपी एचएजेएस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो और साथ ही साथ जो है एपीओ मेंस की क्लास भी प्रारंभ की जाएगी, वो भी कल से प्रारंभ होगी। तो जो कोई बच्चे इच्छुक हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और फीस क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, वो अपनी सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और कट ऑफ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगी, कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ जो बच्चे 100 से ऊपर हैं, ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा खतरे की घंटी है, लेकिन जो 110 प्लस हैं वो सुरक्षित हैं, 110 प्लस हैं वो सुरक्षित हैं, 105 से जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी अनुमान बनेगा, क्योंकि कट ऑफ मैक्सिमम कट ऑफ 112-13 से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी 112-13 तक कट ऑफ हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और 100 से लेकिन 105 से लेकर 112-13 के बीच में कट ऑफ जानी है। ओबीसी एससी एसटी दो दो नंबर उसी में से कम ज्यादा अपना समझ लें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना है, क्योंकि सीट कम है। हाँ, एससी का थोड़ा सा जनरल से 2-4 नंबर जरूर कम रहेगा, अगर एससी कैटेगरी कोई बच्चा 105 नंबर पा रहा है तो वो श्योर है कि क्वालिफाई कर जाएगा, अगर 105 से ऊपर 6-7 तक है तो वो श्योर है क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन 100 से जो लोग नीचे हैं वो उम्मीद ना करें, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन साहस नहीं छोड़ना है, आगे की तैयारी करिए, फिर नई वैकेंसी पीसीजे की आने वाली है, और जो लोग एचजीएस के लिए एलिजिबल हैं, यूपीओ के एग्जाम में बैठे हैं, वो लोग भी अपना एचजीएस की तैयारी करें, बहुत ही जल्द वैकेंसी एचजीएस की भी आने वाली है 100 प्लस पोस्ट के आसपास।